अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम आपको MF 240 की परफॉर्मेंस दिखाने जा रहे हैं थ्रेशर पर। दोस्तों ये थ्रेशर है तो सादा, लेकिन हमने इसे खुद चल से चल बनाया है। तो दोस्तों आपको इसका पूरा रिव्यू भी देंगे, उससे पहले आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखा के इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा भाई हमने इसमें क्या कुछ चेंजिंग की है। तो उसके बाद ये मकसद है कि अब इसे खोलना नहीं पड़ता, टायर वगैरह इसके नहीं निकाल पाते, ये हिच पर खड़ी रहेगी ट्रैक्टर के ऊपर ही और इसे हम चलाएँगे। तो दोस्तों आपको पहले वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह, इसके बाद इसकी पूरी डिटेल देंगे। पहले वाले ठीक है, लेकिन हुण मसला है ना कि हुण चल सी जो सही इन्हें जेड़ा वादा गाटा सी हुण जे लपेट दे तले सरे लगे खड़े उन्हें तो हैं दू टाके और तो बंदा घर दू सट्टा जो मरे से तू हथौड़े जाए बहर आप लवावन का मकसद से भी हो भाई उम्र भू थोड़े जो मोटा जो है भाई कल को उन्हें को पट छड़ दे मोटा यार मोटा है अब फल दिख रहे हैं चलो ही मैं चापो तू उन्हें टेंशन ना करो जो चार सरिया लगे हो वो बिल्कुल ठीक थी वैसे तू बस छोड़ पर हूँ वो गाल को छोड़ दे मैं तो घाट घूम दिया जितना लपेट वाला सरिया जितना ज्यादा हो सी उतना मोट घट थी जैसी भू को बरीक करेंगे अभी तरह से उठे सी खड़ी बालों वाले जेले ढेर बरीक थे बाल तक एक निशानी थी यही थी कि दड़गड़ पाए थे मोटर कंपन पाए थे दड़गड़ पाए थे क्योंकि यकदम जो प्रेशर को थी वो बबलिंग करनी है पीछे तो संभव मान आप मैं तो आना था तो रख तो पाल बच पावने क्यों पेटा जाएंगे मैं